नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक रोचक कहानी जिसका शीर्षक है आत्माराम। बेदो ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वो अपने साहिबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट किया करता था। ये लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वो बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई है। वो नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके तीन पुत्र थे, तीन बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो ये ढोल गले पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वो भूखा ही उठ आता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उनका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वो अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्टसाध्य थीं, तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित गांभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही ये कलह शांत होता, वो अपने तोते की ओर देख कर पुकार उठता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया, तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहां गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वो यही तोता। लड़के बालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसे काम में विघ्न पड़ता था, बेटों से उसे प्रेम न था। इसलिए नहीं कि वो निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वो अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वो यही तोता था। उससे उसे किसी प्रकार का कष्ट ना होता था। वो अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरैल पर बैठा था। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया और उसे देख कर कहने लगा, आ आ सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी, सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगा, सतगुरु दत्त
शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वो पिंजड़े को छोड़कर आप एक दूसरे की पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ ना आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठ अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिवान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहां तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहां छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और पिंजड़े ही में आ सकता है, फिर भी वो उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ न खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया, पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वो दिन रात काम करता था इसलिए कि ये उसकी अंतःप्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वो वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा थका मांदा रह रह कर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वो कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तमाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर में बोला, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देखकर सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वो जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थीं। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हां मोहरें थीं। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साह से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन लें। उसने कुछ मोहरे कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोश के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सर्राफी की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लग गया और वो नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा, साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर ना आ जाए,
तो मैं भागूंगा क्यों कर? उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। ऊषा का आगमन हुआ, हवा जगी, चिड़ियां गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरणन में चित लागा। ये बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से ये बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। ये निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपले और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी, प्रभु तुम कितने दयावान हो, ये तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विहल हो गई। वो अनुरक्त होकर कह उठा, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरणन में चित लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट ना हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वो सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित जी पूजा में बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, जजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पालागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया, ये अमंगल मूर्ति कहां से आ पहुंची मालूम नहीं, दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहां सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों और निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता आश्चर्य करता, ये आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहां ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से एक महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुका ले, गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते ना थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली की,
और जो लोग स्वर्गधाम चले गए? महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे। किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी ये जानने की कि इसे इतना धन मिल कहां से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी ना था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है, आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित, 50 रुपये से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाए होने लगी। ये बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा, बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए, नारायण का भी डर नहीं, बनने को पंडित पर नीयत ऐसी खराब, राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए, मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद ना आती थी। अब वो कोई काम ना करता, शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहां तक कि महीना पूरा हो गया और 1 आदमी भी हिसाब लेने ना आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप बेंदो जाइए तो दूर ही से एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वो ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है, यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है वो रत्न जटित पिंजरा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता है वो सत्य गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्धान हो गया। पर यथार्थ ये है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को भी तालाब के किनारे आवाज आती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरणन में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य ये है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वो कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर ना आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी आत्माराम। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी ही रोचक और संवेदनशील कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। साथ ही साथ लाइक और शेयर करते चलिए। अगली कहानी के साथ जल्दी ही उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए शुभकामनाएँ।